आज तो हगड़े है ना इधर, ये देखो हीरोइन बन के चल रही है अभी, ये पापा की परी बनेगी देखना। तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने, मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोने। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और भाई आज फिर से तुम्हारा भाई शिकार में निकल चुका है, क्योंकि आज क्या है कोई गैस करेगा, कोई बताएगा, फटाफट बताओ आज है क्या, उसी हिसाब से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं, और आज है हग डे, तो आज हग डे है फिर तो भाई ढूंढना पड़ेगा ना मेरे को, किसी ना किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो अभी चल रहा हूँ मैं ढूंढने, वही उसी की तलाश में निकल गया हूँ मैं, और आज थोड़ा फ्री फ्री फील्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब मैं इतना लेट क्यों निकला। मैं इतना लेट इस वजह से निकला, आज संडे है, कुछ ही लोग जो है, कुछ ही गर्ल्स जो है बाहर की तरफ निकले होंगे जॉब पे, जो रिटेल लाइन में होंगे वही निकले होंगे, तो मैं देखना चाहता हूँ। और शाम में जो है वही लोग निकलेंगे मिलेंगे, तो आज हग डे है, तो देखो कोशिश करेंगे कि हम मुझे भी कोई गले लगा ले, मुझे वो कोई प्यार कर ले गले लगा के, वो सारी चीज़ें अभी देखूंगा। तो अभी फटाफट चलते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, ठीक है, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए तुम्हें। तो भाई जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है, प्रॉमिस स्पेशल प्रॉमिस वीडियोस, तो उसका मैं आई बटन में जो है लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई फुल सपोर्ट करो भाई को, ठीक है, इस मंथ में तो एटलीस्ट कम से कम 20K हो ही जाना चाहिए, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए, जिस तरीके से मैं चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें सारी चीज़ें, और देखते हैं हो सकता है कि मतलब अब मैं लाइव भी आना स्टार्ट करूँ, क्योंकि यार पता है क्या, टाइम ना बचता नहीं है, बिल्कुल भी टाइम बचता, मैं यकीन मानो मैं बिल्कुल सो नहीं पाता, इतना भी नहीं सो पाता कि हाँ भाई सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से चल जाए, कुछ भी चल जाए। और छपरी राइडर दिखाता हूँ मैं तुम्हें अभी, ये देखना इनकी हरकतें स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब मुझे तो वो देख चुका है, ठीक है, तो मुझे देखने के बाद तो स्टार्ट। अभी देखो हॉर्न दे रहा है, वो हॉर्न दे रहा है, निकला तो ये कौन चिल्ला रहा है यार, शैतान, कसम से मुझे यमदूत का दूसरा भाई मानते हैं यहाँ पे सारे के सारे, जिस तरीके से मतलब मैं रहता हूँ ना यहाँ पे हेलमेट को लगा के, इस तरीके से बिल्कुल महाकाल जो मेरा है ऐसे ही दिखता है। तो फाइनली बाहर निकल चुका हूँ मैं, और देख रहे हो मतलब कितना खाली खाली है, पूरा रोड खाली खाली एकदम से, जो रोड इतना ज़्यादा भरा हुआ होता हुआ करता था, आज देखो कैसा है। तो संडे को यही हाल रहता है मेरे भाई, और देखते हैं अभी वो भी है कि मतलब वहाँ पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये चीज़ है कि अगर कोई मिले तो पूछ ही सकता हूँ, बस पूछने के अलावा और कुछ है नहीं। देखो मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता कि हाँ भाई, समझ रहे हो ना, और इन सब चीज़ों में तो बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। देखो ऐसा है कि सीन अभी ये चल रहा है कि भाई काफ़ी अच्छा तुम लोग जो है रिस्पांस दे रहे हो, अभी जितने भी वीडियो डाले मैंने वैलेंटाइंस रिलेटेड काफ़ी अच्छे, मतलब उस पर व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, रीच जा रहा है, काफ़ी अच्छा रीच जा रहा है, तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, जो आप लोग जो है इतना अकाउंट रीच, अकाउंट एंगेजमेंट इतना ज़्यादा बढ़िया आ रहा है, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जैसे बिकॉज ऑफ यू गाइस, तो आप लोगों की वजह से हो रहा है ये। और भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, तो तुम्हारा भाई, तुम देखो तुम सपोर्ट करते रहो, तुम्हारा भाई ऐसे शिकार करता रहेगा, ठीक है। अब तुम कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो कि भाई हाँ मैं शिकार पर निकल चुका हूँ, तो शिकार ही कर रहा हूँ मैं अभी, और फटाफट चलते हैं और ढूंढना स्टार्ट करते हैं। वैसे ये पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर तो कोई उम्मीद है नहीं, देखते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी भी या नहीं बनेगी, सिंगल ही मरूंगा, समझ नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी, मतलब जिस तरीके से कंडीशन चल रही है ना मेरे लाइफ के, मेरे लाइफ के जो घोड़े लगे पड़े हैं, घोड़े कब ख़त्म होंगे समझ नहीं आ रहा मेरे को, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो भाई ढूंढते ढूंढते मैं साकेत में टहल रहा हूँ अभी तो हर जगह, कि अभी इससे पूछता मैं पिटता, बहुत मार पड़ती सच में, चल ले चुपचाप, ठीक है। तो अभी जा रहा हूँ अनुपम, अनुपम में भी हो सकता है मिल जाए कोई, देखते हैं क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें, क्यों भाई पता है क्या, बड़ी मेहनत लगती है यार इन ऐसी चीज़ें बनाने में ना, ऐसी वीडियोस बनाने में, रैंडम गर्ल्स को पहले तो ढूंढो, ढूंढने के बाद अगर पूछ लो, अगर वो मतलब रिएक्ट नहीं करते ना, अच्छा रिएक्ट करते हैं तो फिर तो ठीक भी लगता है, लेकिन कई बार तो होता है भाई मुँह पर ना
कुछ उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है। तुम्हें मजाक लग रहा होगा कि हाँ भाई ऐसे अचानक से कैसे मिल जाते हैं ये, वो इतना आसान नहीं है भाई बनाना रैंडम कुछ भी है, रैंडम जो बनाना ना इतना आसान नहीं है। बहुत सी चीज़ें जो है हम ब्लॉगर्स को फेस करनी पड़ती है, खासकर मोटे ब्लॉगर्स को तो करनी ही पड़ती है। चाहे कितनी भी कर लो कोशिश अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए ना, बहुत बेइज्जती भी करवानी पड़ती है। तो लगे रहते हैं हम, देखो हम ना थकते नहीं हैं, हमारे अंदर वो क्वालिटी है कि हम थकते नहीं है। एक बार बेइज्जती होती है कोई नहीं, दोबारा करा लेंगे, लेकिन क्या है कंटेंट हम लेकर आते हैं। बाकी जितने भी हैं यार, मतलब बहुत सारे लोग जो ऐसे मिलते हैं उनकी गर्लफ्रेंड ही इतनी खूबसूरत खूबसूरत होती है भाई कि मतलब उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऐसे रैंडम गर्ल्स के साथ बनाने के, यहाँ तो अपने ऐसी की तैसी लगे पड़े हैं। तो बड़ी मुश्किल होती है सच में, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि मतलब यार काश मेरी भी खूबसूरत एक क्यूट सी खूबसूरत सी मस्त सेक्सी सी गर्लफ्रेंड होती तो मैं भी उसके साथ रोज़ वीडियो बनाता, फिर तो मैं कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं चिराग दिल्ली पहुँच चुका हूँ और अभी तक एक भी कोई मिला नहीं जिसको मैं, मतलब मैंने पूछा काफ़ी लोगों से लेकिन हाँ वो एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसे कैसे मैं हक कर लूँ। होता है यार, हम गरीब ना मांग ही सकते हैं ऐसे, ये अल्लाह के नाम पे एक हक दे दे रहे, वैसे कर रहा हूँ मैं अभी लेकिन वो भी नहीं मिल रहा नसीब में। कोई नहीं, देखते हैं जल्दी ही कोई ना कोई तो मिलेगा ही, कोई हो ना हो डजंट मैटर, अभी पकड़ेगा ना मज़ा आएगा सच में। देख लो भाई ब्यूटी क्वीन आ चुकी है अपनी, ओए होए स्कूटी कंजड़। तो भाई अन्नू आ चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अमर कॉलोनी, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके देन उसके बाद निकलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद जो है नहीं मिला, तो अन्नू बोला यार मैं आ रही हूँ मुझसे मिल ले, देन उसके बाद चले जाइयो तो भी मैं भी। तो चलो अभी चलते हैं, और ये देखो हीरोइन बन के चल रही है अभी, ये पापा की परी बनेगी देखना, मज़ा तब आएगा जब पुलिस वाला पकड़ ले इसे। मेरा तो कंटेंट आए हाय कंटेंट मिल जाएगा, पकड़ ले बस। आगे ये है कि हाँ भाई जब से इसने लिया है स्कूटी काफ़ी अच्छा चलाती है, काफ़ी अच्छा बेहतर, और कभी इसको भी लेके जाऊंगा राइड पे इसकी स्कूटी के साथ ही। अरे कोशिश कर रही है राइड लेने की, इतने दूर से ही डर जा रही है ये तो, कैसे करेगी मेरी जान, तूने मुझको पागल है किया। अन्नो तू मेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने आ, मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोने आ, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू मन मेरी जान तुझे जाने ना दूंगा। नहीं ठीक है चलना, अरे इसमें पूछ लियो चल। ओए आज तो हगड़े है ना इधर। अच्छा यहाँ से है कहाँ पे ये बता पहले मेरे को। हाँ सही है, यहाँ से है कहाँ पे ये बता मेरे को, सामने है फिर तो ठीक है। चल देख अभी इसने पता है क्या, इसने ठंड अचानक से ना पता है आज बढ़ गई है शाम में, और इसने अभी टोपा लगाया था, देखो टोपा उतार दिया इसने तुरंत ही, जैसे देखा कि कैमरा ऑन हो रहा है भाई भाई हटाओ 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 हटाओ। तो अभी हम लोग मिले थे, काफ़ी टाइम थोड़ा सा स्पेंड किया यहाँ पे, उसके बाद फिर अब हम दोनों चल रहे हैं अपने अपने रास्ते, क्योंकि इसको भी जाना है काम पे और मेरे को भी जाना है घर पे। यार घर तो जाना ही होता है, बाकी पबजी खेलेंगे ठीक है, और हैप्पी हग डे। हैप्पी हग दिया हाँ वो तो हग दिया, नहीं बोल रहा जा रहने दे। तो चलो बाकी अन्नू बाबा बोल दे इनको।
ठीक है, और अन्नू की स्टोरी में मैं मेंशन करता हूँ, जिसको भी फॉलो करना हो जाके फॉलो कर सकते हो भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट डालती है, ठीक है। हाँ तो एंजॉय कर सकते हो। बाकी चलो अभी मैं चलता हूँ और मिलता हूँ बाइक पे। आ लिया हग डे भी मैंने और मज़ा आया, क्योंकि भाई देखो रैंडम के साथ इतना नहीं हो पाता। बाय बाय, तो अन्नू का कर दिया बाय बाय, मैं भी अब जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। और भाई एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी को मालूम है कि मुझे ना मतलब यार जो एक्चुअल में हो ना वही बन के रहो, तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। कोई अगर इस तरीके से हरकतें करता है ना कि किसी के सामने कुछ और बन जाओ और पीठ पीछे कुछ और रहो, तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वजह से उनके लिए है ये मैसेज, जो मुझे जानते हैं, जिनको मैं अहमियत देता हूँ चीज़ों के, अपने लाइफ में अहमियत देता हूँ उनको, तो भाई ये चीज़ हरकतें मत किया करो, ठीक है। मुझे बड़ा ख़राब लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ये चीज़। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ मैं, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के शेयर कर दो, फैला दो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।